की बातें कर रहे हो, कैसा समाज देना चाह रहे हो, क्या संदेश देना चाह रहे हो, काम की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो। कांग्रेस का कैंडिडेट, और अगर कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिली तो उसको बीजेपी से उठा के दे दी। इससे इनके कार्यकर्ताओं में बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त डिमोरलाइज है। उनका उत्साह खत्म हो गया, चुनाव लड़ने का उत्साह खत्म हो गया। अभी मैं बाहर था तो किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि वसुंधरा जी ऐसे कह रही है कि मुझे अब रिटायरमेंट लेना चाहिए, ऐसा कुछ सेंटेंस बोला है, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली क्या बोला, पत्रकारों ने पूछा, उसी के आधार पर बता रहा हूँ। तो उत्साह खत्म हो गया। जब प्रदेश की लीडरशिप का उत्साह खत्म हो गया, दो कारण है उत्साह खत्म होने के। एक तो जब जनता साथ नहीं दे तब उत्साह खत्म होता है, और दूसरा उत्साह खत्म होता है जब आपकी लीडरशिप आपको डिमोरलाइज कर दे, आपको काम नहीं करने दे, डेमोक्रेटिक बातें होनी बंद हो जाए, लोकतंत्र इनसाइड पार्टी लोकतंत्र खत्म हो जाए। जब लोकतंत्र खत्म होता है तो अहंकार शुरू हो जाता है। अहंकार में मेरिट डिमेरिट नहीं दिखती है, लेकिन अहंकार का अंत, अभी दशहरा मनाया हमने, रावण की तरह हुआ है। जो भी अहंकार रखेगा, आम आदमी की और पार्टी के अंदर लोगों की बात नहीं सुनेगा, अंत वैसा ही होगा। अहंकार किसी को भी पसंद नहीं है। इनकी खुद की पार्टी की लीडरशिप अंदर से कमजोर महसूस कर रही है, डिमोरलाइज महसूस कर रही है, और यही कारण है कि ये टिकट फाइनल नहीं कर पा रहे। सर, विधानसभा ये अपने विधाता नगर है और हवा महल है, इस पर भी कांग्रेस ने टिकट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन आर आर तिवारी साहब ने नामांकन भराया उन, और अभी कुछ देर में सीताराम अठावाले भरेंगे। तिवारी साहब का ये कहना है कि ये कांग्रेस की रणनीति है कि हम टिकट ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करें। तिवारी जी जिला अध्यक्ष हैं, और कुछ तो बात है, कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है, तो कुछ ना कुछ तो है ही ना। जो इसका भी एक एक जुमले से ही जवाब दूंगा, सारी दुनिया के बाजीगर एक तरफ और राजनीति का जादूगर एक तरफ।